रूपनगर इलाके में जेडीए विभाग की जमीन का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर प्लॉट के मालिकों ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उनके पास उनके प्लॉट के तमाम कागजात हैं और पोजीशन के अधिकार होने के बावजूद उन्हें जेडीए विभाग अधिकार नहीं दे रहा। लोगों ने कहा कि विभाग इस सिलसिले में टालमटोल की स्थिति अपनाए हुए है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि उनके अधिकार उन्हें दिए जाएं। प्लाटीज हैं सेक्टर 6 के रूपनगर कॉलोनी के, उसमें ये आप मालूम है, जैसे आपको प्रेस को मालूम है कि ये झगड़ा जो है पिछले 2014 से चला हुआ था, लेकिन ये कोर्ट केस था इसलिए हम भी खामोश थे। 3 महीने हो गए, अब 4 महीने हो गए। 21 दिसंबर को ये फैसला डिवीजन बेंच में हमारे पक्ष में आया है। जो एनक्रोचर था उसकी जो पिटीशन थी वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी, उसके बावजूद भी जेडीए कोई खास कार्रवाई नहीं कर रहा। अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा वहाँ हलचल की, एक दो स्ट्रक्चर को गिराया भी जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर थे, लेकिन बाकी लैंड उनके हवाले कर दी है। उसमें से 73 लोगों को उन्होंने डिमार्केट कर दिए हैं प्लाट, लेकिन बाकी जो हैं, बाकी हमारे 44 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अभी कोई अलाटमेंट नहीं हुई। अब जो जिन लोगों को इन्होंने अलाटमेंट की भी है वो भी ऐसी अलाटमेंट, वो जो डिमार्केशन की हुई है वो भी ऐसी कि वो भी अपना मकान नहीं बना सकते, क्योंकि बीच में जो एनक्रोचर है वो बीच में है, वहाँ से उसने अपने रेत बजरी का कारोबार शुरू किया है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ रेत बजरी का काम हो रहा है। एक दो स्ट्रक्चर छोटे मोटे हैं जेडीए ने वो छोड़ दिए हैं। जेडीए शहर के हर कोने में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो कार्रवाई शुरू की है उसको क्यों नहीं मुकम्मल करता जेडीए के द्वारा? आपको क्या कि आप 15 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए, आपका ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमें लगता है कि हमें अब दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई हल मुझे दिख नहीं रहा। हमें चाहिए कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में ही शायद हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कोर्ट हाई कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर नहीं मार रहे तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा होगा। एक फैमिली को वो वहाँ से हटा नहीं सकते, और जम्मू शहर में रोज इन्होंने मचाया हुआ है, कभी कहीं खाली कर रहे हैं, कभी कहाँ खाली कर रहे हैं, एक एक फैमिली को ये वहाँ से गेट नहीं कर रहे। तो ये हमारी गुजारिश है, मांग है कि हमारे जो जेन्युइन प्लाट हैं जिसके एवज में उन्होंने हमसे 10-10 लाख रुपया आज से 10 साल पहले लिया हुआ है, 8 साल पहले, वो हमें नहीं दे रहे, और दूसरा ये इधर उधर कार्रवाई कर रहे हैं वाह वाही लूटने के लिए, ये बिल्कुल बेगलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिल के मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.